नमस्कार मित्रों, आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माता शीतला के धाम से दशाश्वमेध घाट स्थित महत्वपूर्ण स्थल काशी का अविनाशी भोलेनाथ शंकर की नगरी और हमारा आज का महत्वपूर्ण ब्लॉग, जैसा कि आप जानते हैं गंगा स्नान के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए पूरे वर्ष के गड़का हुआ ना आपको नीचे, तबीयत ठीक हो, गबड़ा कर लेना तबीयत तो हार करा ला, इलाज करा ला आप, अच्छा आराम हो, आराम हो, हाँ तलब से सही हुआ तो आवा गद्दी पे अपने तोरे बिना गद्दी आनंद नहीं हो, जाऊ ना आवाज में तू लोग के हो, चला स्वस्थ हो जा जल्दी, ना ना ठीक हो, आ ले गैलिन नहीं आज आ लूंगे, आज 4 बजे भोर में बोलत तो नहीं हो सकेला, निकल गए लो दर्शन नहा वहाँ के, हम तो लेट आई लेने थोड़ा, हमारे महाराज पुरोहित क्योंकि संकल्प दान पुण्य का हमें कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, किसी स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य इनका नरम है लेकिन इनके पुत्र ने गद्दी संभाल ली है, काफ़ी अच्छा एक समागम है गंगा घाट पर और मंत्रों का वेदोच्चारों का और हमारी सनातन संस्कृति का एक ऐसा समावेश जो कि हर एक वक्त को यहाँ खींचा चला जाता है, जैसे कि देखिए हमने ही गंगा स्नान के हर एक क्षण को हर एक पल को और हर एक स्नान को हमने किया है और हमने पूरा कवरेज किया है काशी के सभी गंगा स्नान का। इसी क्रम में आज हम आए हैं सतुआ संक्रांति के महत्वपूर्ण स्नान पर और हम गुरुवर से विदा लेते हैं, अब हम आपको और गंगा घाटों के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पर महात्म्य है, कैसा काशी का मौसम है, कैसा यह संगम है और किस प्रकार से काशी में दूर सुदूर से विदेशों से पर्यटक आते हैं। जैसा कि हमारा एक आकर्षण रहा है दशाश्वमेध घाट पर और काशीवासी होने के नाते जो एक हम लोग के अंदर शिवत्व का अंश है, जो हमारे अंदर एक काशित्व है, जो हम भोले के भक्त हैं और जो हम यहाँ पर काशी में सत्य हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों से जो हमारा आकर्षण है शीतला मंदिर के प्रति है। और कौन सा टेम्पल? वाराही माता, वाराही माता का मंदिर कहाँ? व्हाइट हाउस कहते हैं, व्हाइट हाउस बेस्ट भी है। काशी में मंदिरों का एक महत्वपूर्ण समागम, जैसा कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर हर देवता के, हर विग्रह के, हर भैरव के, सभी देवियों के, सभी देवताओं के, सभी यक्ष के, सभी गंधर्व के, विश्व के सत सत जीव और सत सत हर देव के विग्रह यहाँ पर मौजूद हैं। काशीवासी होने के नाते भी आप नहीं जान पाएंगे, अपने मृत्यु छाया पर जाने तक भी आप नहीं समझ पाएंगे कि काशी का महात्म्य क्या है। काशी की गलियों गलियों में, खंड खंड में, कण कण में शंकर हैं और हमको जहाँ तक लगता है कि कोई ऐसा देवालय नहीं हो जो कि काशी में जिसका प्रतिरूप न हो। बहुत अच्छा देखिए लगता है कि जब हम जानकारियों का आदान प्रदान, हमसे वरिष्ठ हैं और देखिए हमें नहीं मालूम था वाराही माता का मंदिर लेकिन तुरंत गुरुदेव ने बताया, काफ़ी अच्छा लगा। मीर घाट जैन देवी का मंदिर मीर घाट और वहीं साथ में लगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम। ललिता घाट पे भी हमारा महत्वपूर्ण पशुपतिनाथ मंदिर का जो लकड़ी का स्वरूप है नेपाल में, वो यहाँ पर भी स्थित है। कोई ऐसा मंदिर नहीं, कोई ऐसा घाट नहीं, कोई ऐसा देवालय नहीं और कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं जो कि काशी में न किया जाता हो। देखिए गंगा माता का पूजन करती हुई हमारे काशी में हर प्रकार के संस्कृति को, सभ्यताओं को और हर मान्यताओं को किस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गंगा स्नान करने के बाद दूर से आए हमारे दर्शनार्थी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और हम इस कवरेज को बराबर करते रहेंगे और जैसा कि हमने कई स्नान ध्यान और पूर्णिमा पे, अमावस्या पे इस प्रकार के महत्वपूर्ण कवरेज किए, काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में दर्शनार्थी काशी में आने के बाद स्वतः ही
एक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे किस प्रकार से गंगा स्नान करते हुए हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी, जो कि दूर सुदूर जिलों से और काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थल दशाश्वमेध घाट, सुर सरोवर प्राचीन स्थल का नाम है ये, जहाँ पर ये कभी 10 अश्वमेध यज्ञ स्थापित किए गए थे। इसके लिए हमने एक पेंटिंग भी दशाश्वमेध भवन में बनाई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से कलर पेंटिंग के माध्यम से बताया है सूर्य सरोवर के महत्व को, जहाँ पर कि भगवान सूर्य के स्वरूप को और उनके वाहन को भी घेरा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ब्लॉगों में हमारे आज का यह महत्वपूर्ण चैप्टर है सतुआ संक्रांति ब्लॉग। इसके अंतर्गत हम आपको लाइव कवरेज करके दिखाएंगे कि काशी में किस प्रकार से आज का यह मौसम कैसा है, समागम कैसा है, दर्शनार्थियों का इंटरेक्शन क्या है, क्या धर्म और मान्यताओं का ऐसा खिंचाव है, एक आकर्षण है धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, समर्पण के प्रति। और हमारे गुरुदेव महाराज पुरोहित को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और काफ़ी सेवा में समर्पित हैं श्रद्धालुओं के। और जब हम गंगा स्नान करते हैं उसके बाद दान पुण्य, और जैसा कि आप जानते हैं सतुआ संक्रांति का उत्सव है, घड़े का दान होता है, पानी भर कर घड़े का दान, पंखे का दान, सतुआ का दान, आम का दान, पुदीना का दान। तो इस प्रकार से अपनी सब बाधाओं को काटने के लिए, अपने परिवार की सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए हम दान पुण्य कार्यक्रम को करते हैं। प्राप्त जानकारी जैसे हमें मिली है, अभी बहुत ही जल्द नई छतरियां यहां अलाट की जाएंगी, G20 समागम सम्मेलन होने वाला है और हमारे सम्मानित पुरोहितों को नई छतरियां अभी बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं, G20 के लोगो लगी हुई। देखते हैं कब तक सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, हमें जहां तक आशंका है 17 अप्रैल से पहले आवंटित कर दी जाएंगी, ऐसा निर्देश आया है। मिली जानकारी आपको? कोई जानकारी नहीं है। नहीं, शासन द्वारा जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि G20 की छतरियाँ यहाँ लगाई जाएंगी, ये अभी पुरानी छतरियों को हटाया जाएगा, बहुत ही जल्द मुझे लगता है एक दो दिन में आप लोग को समर्पित की जाएंगी वह G20 की छतरियाँ, जो कि काशी की शोभा को बताएंगी और हमारे सभ्यता को बताएंगी। जी, काशी की एक पहचान है, काशी की पहचान, काशी की धरोहर है। अगर काशी की धरोहर खत्म हो जाएंगे तो फिर काशी में रह क्या जाएगा? जी, गलियों का शहर, मान्यताओं का शहर, सांस्कृतिक का शहर, हमारे विद्या केंद्र का शहर। आजकल देख नहीं ना, विदेशी थोड़े कम हो गए हैं काशी में आगमन कोरोना के डर से। नहीं, कोरोना का डर नहीं गुरु जी, विदेशी जो कम हुए हैं, जो हमारी संस्कृतियाँ थी, सभ्यताएँ थी, तंग गलियाँ थी, आनंदी महाराज बैठे रहते थे जो कि रास्ता रोक लेते थे, उन चीज़ों को देखने विदेशी पर्यटक आते थे, न कि हमारी भव्यता को देखने। भव्यताओं और आलिशानिता से परिपूर्ण विश्व के हर एक शहर हैं, इसलिए समझ लीजिए पर्यटकों का न आना, विदेशी पर्यटकों का, जो मुझे लगता है जबकि मैं काशी में जो अनुभव किया हूँ, पहले जब हमारी गलियाँ तंग थीं और नंदी के संग थी हमारी गलियाँ, उस समय विदेशी पर्यटकों का जो आकर्षण था उसमें कमी आ गई है, बहुत कमी आई है। आज 80% विदेशी गायब, विदेशी गायब है जी, 80% गायब, क्योंकि एक अच्छा व्यापार केंद्र था काशी के घाटों पर, जो वो पेइंग गेस्ट की तरह रहते थे, खाते पीते थे, होटलों में रुकते थे, व्यवसाय का सृजन करते थे। बहुत ही अच्छा, देखिए हमारे तीर्थ पुरोहित ने बताया और हमारे महाराज भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गुरु जी भी यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन नज़रें चुरा रहे हैं। देखिए आज बड़ा ही अच्छा उत्सव का दिन है, आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। दर्शनार्थियों का भीड़ आ रहा है, बहुत आ रहा है। कितने बजे से? 3 बजे भोर से। कब तक आप लोग अभी जमे रहेंगे यहाँ? हम तो हमारा अपना तो 12 बजे तक रहते हैं। अच्छा अच्छा, आज जो है सतुआ संक्रांति का दिन, संक्रांति तो पूरे दिन का मान है, पूरे दिन का, पूरे दिन का मान है। उदयातिथि में अगर 10 मिनट भी पड़ जाए जी, तो हिंदू समाज में उदयातिथि को लेकर चलते हैं जी, और मुस्लिम धर्मों में उदयातिथि को लेकर नहीं चलते जी। बहुत ही अच्छा, हमारे चैनल की तरह स्नान का जी फल प्राप्ति है। क्या क्या दान करना चाहिए दर्शनार्थियों को? सतुआ दान होना चाहिए, घड़ा दान होना चाहिए, मीठा दान होना चाहिए, फल दान होना चाहिए, जिसका जो श्रद्धा बन जाए, कपड़ा लाता, सोना चांदी, जिसके पास जो शक्ति हो। दान पुण्य की, दान में कोई ये नहीं है कि एक ही चीज दान हो, दान तो अनेकों प्रकार का दान है, दान जो है अनेकों प्रकार का दान है, दान में कोई ये नहीं है कि 1 रुपया दान नहीं है, 1 से लेकर लाखों करोड़ों दान है
देखिए सात बारह नौ त्यौहार की नगरी काशी महत्वपूर्ण जो कि चली आ रही है और गुरुवार ने बहुत अच्छा बताया। आइए हम और भी अपने सम्मानित रोहितों से यहाँ इंटरेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर संगम। अब हम बहुत ही जल्द पहुँचने वाले दशाश्वमेध घाट की तरफ। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से गंगा घाट की कवरेज और काशी की संस्कृति सभ्यताओं पर एक विस्तृत और चित्रण को इस वीडियो के माध्यम से विश्व के समक्ष पटल पर बड़ी ही मजबूती से रखते हैं, लेकिन आज का जो दिन है सतुआ संक्रांति, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। ऐसा महत्व है जो दान का महत्व है, कर्म का महत्व है, स्नान का महत्व है। दान, स्नान और कर्म, और दान जो बढ़ चढ़ कर यथाशक्ति दानम, जो भी शक्ति हो उसके प्रकार से ही दान करना चाहिए, ऐसा ही कहा गया हमारे वेदों में, उपनिषदों में। और जो महत्वपूर्ण दिन रहा है काशी में आज सतुआ संक्रांति का, तो दान की पुण्य की जो यह एक तिथि है इस पर खुलकर दान करें और घाटों की तरफ आएं, संस्कृति से जुड़ें, घड़े का दान करें, पानी भरकर घड़े का दान करें, पंखा दान करें, जो जो चीज़ें गर्मी में आवश्यकता होती है आपको उन चीज़ों का दान आपको यहाँ पर करना है। इसी दान पुण्य और महत्वपूर्ण आस्था की इस नगरी में हमारे महत्वपूर्ण मंदिरों में एक, क्योंकि एक अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, त्रिशूल टंकेश्वर हर हर महादेव का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांगण है और बहुत ही प्राचीन स्थल और बड़ी प्रगाढ़ आस्था हमारी श्री त्रिशूल टंकेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी कि एक बृहद रूप में भी यहाँ पर त्रिशूल टंकेश्वर गंगा किनारे भी एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। तो यही है प्रारंभिक जो प्रारंभ है, यही महादेव हैं, त्रिशूल टंकेश्वर महादेव। हमारा यहाँ महत्वपूर्ण जो समागम रहा है, हम नित्य नियमित ही हम घाटों पर बैठते हैं और देखते हैं यहाँ पर गंगा आरती का जो महत्वपूर्ण आयोजन हमारी महत्वपूर्ण समिति गंगा सेवा निधि के द्वारा, ये सेवा और समर्पण का त्यौहार है, ये दान का त्यौहार है, ये पुण्य का त्यौहार है। बाबा भोलेनाथ के भक्त, माता अन्नपूर्णा के भक्त, माता शीतला के भक्त और माता काली के आशीर्वचन से माता गंगा के प्रांगण में यहाँ पर आज दान पुण्य की महत्वपूर्ण तिथि सतुआ संक्रांति का आयोजन। और हम आग्रह करते हैं कि खुलकर दान करें, दान में किसी प्रकार की कमी न हो और जो हमारी आस्था है, जो संस्कृति है, इसको बराबर मजबूती से विश्व पटल पर आप रखें। जिस प्रकार से कि हम वीडियो के माध्यम से अपनी संस्कृतियों को, सभ्यताओं को बड़ी ही मजबूती से रखते हैं, इसी तरह से आप भी पूरी जोर शोर के साथ, देखिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, देखिए दान में भी यहाँ पर कमी हो रही है, दान में का में चंदन लगाई, अच्छा आधा दे दी आधा मिली, सही बात, सही बात, मत बैठा न मिली ठीक है, बोझ में बोझ कैसे, तो जब दान हो तो मैं कटौती कैसे, पंखा चाहिए, गाड़ा चाहिए पानी भर के, आम चाहिए, पुदीना चाहिए, सतुआ चाहिए, कुछ नहीं बैठा था, खाली आवत हुआ बैग लटका के 2 रुपया का चंदन लगा के निकल लेते हुए, ये कौन बाबा विश्वनाथ का दर्शन होता, एक बार अला खुल के दान करा। देखिए दान और पुण्य की जो मैं आपको महिमा बता रहा था, हाँ तो ब्राह्मण का भी जो कर्तव्य रहा है, ब्राह्मण अपने महंगाई में जी का हुए वाला, सही बात, देखिए बहुत अच्छी बात, 10 रुपया दे बात, 5 रुपया उधर कर दिए, 5 रुपया हमके मिले, टैक्स भी देना होता है यहाँ पर लगाने का, जो जिनकी चौकी है, नहीं नहीं स्थान जो स्थान का प्राइवेट, अच्छा ओ, और मोदी के अंडर में हो जाएगा तो हम लोगों को आराम हो जाएगा, फिर मोदी को हमको साथ देना है, वो देंगे, देखिए इस प्रकार की जी कि आपको इतना मिला है, खुलकर दान करें, देखिए दान पुण्य में कोई कमी ना हो, यही बात हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। और हमारे तीर्थ पुरोहित के द्वारा जो हम लाइव इंटरेक्शन दिखाया, 2 रुपये में देकर चंदन लगवा कर धीरे से भाग रहे हैं, ये क्या आस्था है आपकी, क्या समर्पण है, 5 रुपये का आप विमल खाते हैं अजय देवगन का प्रचार देख के, 5 रुपया भी आप नहीं दे रहे हैं दान पुण्य में, ये कैसी आस्था है। आस्था और समर्पण का ये त्यौहार रहा है, साल में एक बार आता है सतुआ संक्रांति, अभी आप अम्बेडकर जयंती भी देखिएगा, लाखों करोड़ों लगा के सब डीजे लगा के निकाल रहे हैं शोभा यात्रा, आप यहाँ से 10 रुपये भी निकालिए समर्पण में, अपने देव के सानिध्य में अपने यति बनाए और अपने कर्म को ही आप सिंचित कर रहे हैं,
इस पुरोहितों के चौकियों पर हम बराबर लाइव इंटरेक्ट हो रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार का इंटरेक्शन रहा है दर्शनार्थियों का, क्योंकि कंजूसी कर रहे हैं जो दान पुण्य में, जो एक आस्था का और त्यौहार रहा है स्नान का, दान का, नहान का, खुलकर दान करें और हिंदू सनातन संस्कृति के इस महत्वपूर्ण पर्व पर का हो रेट इस समय 100 रुपये सवारी है, वो पूरा घुमाएगा 40,000। देखिए बहुत ही अच्छा समागम है गंगा उस पार का, ये जो होड़ लगा हुआ है, सुबह का समय है, काफ़ी अच्छा प्रातःकालीन समय में जब हम यहाँ पर आते हैं लाइव इंटरेक्ट होते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो टाइम होता है एक क्रिशियल टाइम होता है कि जब अपने महत्वपूर्ण शेड्यूल में से व्यक्ति एक समय निकालता है, एक माता गंगा के सानिध्य में आता है, दान करता है, पुण्य करता है अपने परिवार के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी शांति के लिए। आज महत्वपूर्ण पर्व सतुआ संक्रांति और बड़े पूजनीय होते हैं हमारे पुरोहित आज, और हम अपने समृद्धि के लिए संकल्प लेते हैं, अपने परिवार के, अपने जनों की खुशी के लिए, अपने खुशहाली के लिए। ये देखिए भारी जनसैलाब, जैसा कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि सतुआ संक्रांति के इस महत्वपूर्ण पर्व पर, संक्रांतियों का एक महत्वपूर्ण पर्व रहा है काशी में, संक्रांति नहाने का जो कल्चर रहा है काफ़ी पुराना है और जिस हिसाब से भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। देखिए कितना अच्छा, हमारे कई ब्लॉग्स यहाँ पर शूट हुए हैं लेकिन आज का ये महत्वपूर्ण रहा है, आज का जो दिन है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कि दान और पुण्य की संक्रांति है। जैसा कि हम मकर संक्रांति के दिन आते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, ऐसा ही एक समागम मान दें, संक्रांतियाँ पड़ती रहती हैं और हम कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, आंध्र से, तेलंगाना से, गाजीपुर से, मिर्ज़ापुर से, भदोही से माता गंगा का स्नान करने के लिए तो आते हैं, दान करने में भी कंजूसी है, 2 रुपये का चंदन लगा के भाग जा रहे हैं। ये कैसा दान है भैया, 10 रुपया दो पुरोहित को। देखिए यही कमी है, हम एक संगठित होने के लिए एक अपने कल्चर को हम लोग को फ्लो करना पड़ेगा, एक संस्कृति को मजबूती देनी पड़ेगी, ये कहीं से कमी आ जा रही है। ये धर्म में, आस्था में जो कंजूसी बहुत ही घातक सिद्ध होती है हमारे लिए, हमारी सनातन संस्कृति में जो उस पर निर्भर है, संस्कृति के, सभ्यता के और हमारे दान धर्म पूजा पाठ के जो संचालनकर्ता तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे यजमान हैं, उनको यथाशक्ति दान करें, मैं यही आग्रह करूंगा। जैसा कि हमने पीछे आपको दिखाया था लाइव कवरेज कि उसमें 2 रुपये ही देकर चंदन लगवा के विवाद में आ जा रहे हैं पुरोहितों के साथ, 10 रुपये भी कम से कम आपको दे दें तो अच्छा है। तो चलिए आइए देखते हैं और भी क्या घाटों पर और हमारे पुरोहितों की चौकी पर क्या क्या कैसा कैसा क्रियाकलाप है आज धार्मिक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं बता दूं आज का यह महत्वपूर्ण हमारा जो कवरेज है ये सतुआ संक्रांति पर है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व भी है जो कि राष्ट्रीय नेशनल गेस्टेड हॉलीडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी अम्बेडकर जयंती भी है आज। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के जो पहलू पे हम देखेंगे तो प्रथम में ही हम मना रहे हैं सतुआ संक्रांति का महत्वपूर्ण पर्व यहाँ विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर। गंगा आरती का जो समागम और जो मौसम होता है तो शाम को आपको पैर रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं मिलेगी, अभी तो काफ़ी खाली खाली सा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन दर्शनार्थियों की भारी भीड़ है। आइए देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी जो स्नान दान धर्म कर्म में लगे हैं कैसा माहौल है दर्शनार्थियों का, नहान में कितनी भीड़ है, कहाँ कहाँ से लोग नहाने आए हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा एक स्नैपशॉट दिखाते हैं, ये शूट द स्नैपशॉट ऑफ द होली बाथ ऑफ माँ रिवर गंगा, टेक द होली बाथ एंड रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ गंगा। हम लोग लाइव कवरेज होली बात ऑफ रिवर गंगा इन काशी, इट सीम्स इट रिप्रेजेंट्स द कल्चर ऑफ द काशी, कल्चर ऑफ द हिंदुइज्म,
स्ट्रांगनेस ऑफ हिंदुइज्म एंड ब्लेसिंग्स ऑफ देवी गंगा. इंडियंस फील गंगा लाइक मदर, नॉट बाय एनी रिवर. माता गंगा, माता अन्नपूर्णा, माता काली, माता शीतला और गौरा माता के सानिध्य में सिंचित यह महत्वपूर्ण नगरी काशी वाराणसी बनारस. क्या अच्छा समागम है. एक जो काया निखर जाती है महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद, जबकि हम माथे पर तिलक करते हैं. तिलक का भी बड़ा महात्म रहा है. शुद्ध चंदन का तिलक करें, इससे किसी प्रकार का तनाव आपके तन और मन में नहीं आएगा. और खुलकर दान करें, ये मेरी अपील है, खुलकर दान करें. अन्य कार्यों के लिए पैसा है, लेकिन दान करने के लिए यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं. मैं देख रहा हूँ, काफ़ी हमने लाइव इंटरेक्ट किया है. कई पुरोहितों की चौकियों पर हमने देखा 2 रुपए दे के चंदन लगवा के धीरे से निकल जा रहे हैं. क्या है ये, मजाक है संस्कृति का, आस्था का, समर्पण का. वो आदमी बैठा हुआ है आपके लिए 4 बजे भोर से, 3 बजे भोर से. या दान पुण्य की संक्रांति है, आपको दान मिलेगा. दान पर, पुण्य पर, संकल्प पर, पूजा पर, पाठ पर निर्भर या महत्वपूर्ण व्यवसाय, इसको भी बल दें और अपने धर्म का सृजन करें. अपने धर्म के आस्था की मजबूती के लिए यथाशक्ति दान करें. मेरी अपील है सभी दर्शनार्थी से जो कि काशी में पैर रख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण अपील, दान और पुण्य में किसी प्रकार की कमी न की जाए. हम लाइव इंटरेक्शन दशाश्वमेध घाट से हैं, और भी घाटों पर हम देखेंगे क्या नज़ारा है आज सतुआ संक्रांति का. आइए हम देखते हैं गंगा द्वार के पास कि हमारे जो दर्शनार्थी दूर सुदूर से आए हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं है उन्हें. काफ़ी कवरेज हमने लिया है, आज हम एक महत्वपूर्ण कवरेज को यहाँ अंजाम दे रहे हैं, जिसके तहत हम यहाँ पर काशी के महत्वपूर्ण घाटों पर और काशी धाम पर लाइव कवरेज गंगा स्नान सतुआ संक्रांति ब्लॉग, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रहा है. फर्स्ट इंटरेक्ट है हमारा सतुआ संक्रांति पे. पूरे वर्ष के सारे नहानों पर हमने लाइव कवरेज किए हैं, लेकिन ये कवरेज छूट गया था, क्योंकि सतुआ संक्रांति का जो पर्व है, विगत 2 वर्षों से जो हम कवरेज दे रहे हैं उसमें हमने सतुआ संक्रांति को मिस किया है. और आज हम इस कवरेज को भी करके पूरे चैप्टर को हम कम्प्लीट करते हैं कि काशी में स्नान का ही क्या समागम है और क्या महात्म है हमारी काशी का. जो दूर आप देख रहे हैं ये सिटी बसाई गई है, टेंट सिटी, जिसका कि हम विरोध करते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है. टेंट सिटी इस धार्मिक स्थल पर नहीं होनी चाहिए. चलिए खैर, ये तो बात का मुद्दा है. आइए देखते हैं कि हमारा आज का ये स्नान ध्यान धर्म कर्म का, आस्था का, समर्पण का यह महत्वपूर्ण त्यौहार सतुआ संक्रांति किस प्रकार से काशीवासी और दूर सुदूर से आए हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी स्नानार्थी किस प्रकार से इसका आनंद ले रहे हैं, इस पर हम लाइव इंटरेक्ट हो रहे हैं. और हम हमारा ये ब्लॉग चलता रहेगा, हम देखेंगे कहाँ तक हमारे दर्शनार्थी हैं, कहाँ तक श्रद्धालुओं की लाइन है, क्या कुछ मन में है श्रद्धालुओं के जो सोच रहे हैं बैठकर कि काशी में हम और कहाँ पर घूम लें और किसका दर्शन कर लें और क्या क्या हमें मिल सकता है काशी में घूमने के लिए. जी, बोटिंग करने के लिए नहीं, अभी बोटिंग नहीं करेंगे. ये घाट का दर्शन करा देते हैं सब, राजा हरिश्चंद्र घाट से मनकंका घाट तक. हम घूमे, हम लोकल हैं. देखिए, काशीवासी हैं, काशी को पूरी मजबूती से प्रमोट कर रहे हैं पूरे विश्व मंच पर. और बोटिंग का जैसा हमने चार्ज समझा है कि 100 रुपए हैं इस पार उस पार ले आने का ले जाने का. का रेट चले तो 100 रुपया ना, 100 रुपया है, बढ़ा देला 20 रुपया, कहाँ बढ़ गल, 80 रुपया रल ना, 80 रुपया में कहाँ से, वो पार भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. 100 में अच्छा वहरों घूमेबा. कौन घाट तक जीबा? राजा हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकंदा. देखिए, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं. अपना नाम बताइए, कौन माझी हैं आप? हम लखन माझी हैं. लखन माझी, कहाँ मिलवा तू? बस यहीं पर हमेशा, राजेंद्र प्रसाद घाट, शंकर जी की जो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत यहाँ बनाई गई, इसके सामने. लखन माझी से भी संपर्क आप करें. काशी के महत्वपूर्ण माझी है. डीजे माझी को आगल हो, बड़ा सरवा डीजे मीजे देखे दिला बजाओ तो. डीजे का नाम उनकर? ये सब नहीं मालूम, खाली उसको डीजे बजाता. नमुआ कहा उनकर? अरे बहुत सा नाम है भैया, कितना नाम लेबर करना. एक का नाम जजबा कई डे हो? डीजे कौन? डीजे माझी के हो जो मार डीजे उजे लेके? वो 80 घाट का. का नाम हो? अरे बहुत सा नाम है. अच्छा, चलिए खैर, डीजे माझी के बारे में चर्चा की थी पिछले ब्लॉग में, तो डीजे माझी पर भी हम कभी बैठकर लाइव कवरेज करेंगे. आइए देखते हैं. काफ़ी अच्छा हमें लगा कि जो ये भीड़ होती है, ये स्नान की भीड़ होती है,
दान की भीड़ होती है, धर्म आस्था के प्रति ये जो समर्पण है हिंदुत्व का, देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। ये हम दर्शनार्थियों के समीप पहुंचते हैं, देखते हैं क्या मौसम है। नहान का भी हम कुछ लाइव कवरेज आपको दिखाते हैं किस प्रकार से पब्लिक इंजॉय कर रही है अपने धर्म को, अपनी आस्था को। जबकि लोग पब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, हुक्का बार चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पब्लिक क्या कर रही है, माता गंगा के समर्पण में और अपने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए और अपने धर्म और आस्था के प्रति यहाँ पर आनंद ले रहे हैं माता गंगा के प्रांगण में। आइए इसका भी एक अद्भुत आनंद है, देखते हैं कि इस बदलते हुए वेस्टर्न कल्चर के दौर में जबकि हम अपनी हिंदुत्व संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा देखिए यहाँ समागम है और दर्शनार्थी पूरे जोशो खरोश के साथ और माता गंगा के समर्पण में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार के आनंद में काशी आनंदित रहे, यही हमारी मनोकामना है महादेव से, माँ गंगा से। माता गंगा के महत्वपूर्ण घाट दशाश्वमेध घाट और माता गंगा की आरती से सिंचित और सभी देवों के आशीर्वाद से सिंचित यह नगरी काशी सदैव जीवंत रहे, चलती रहे, बनी रहे। दशाश्वमेध घाट लाइव कवरेज सतुआ संक्रांति ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। काशी पुत्र कामरा और काशी की धरा से उद्धृत यह चैनल पूरे विश्व में बड़ी मजबूती से काशी की संस्कृति और सभ्यताओं को विश्व पटल पर रखता है। आइए देखते हैं कि और हमारे भक्त कहाँ पे हैं। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम जिसका कि एक दूसरा प्रवेश द्वार हम बनाया गया है गंगा द्वार, ये भी बहुत ही निकट है यहाँ से। कभी अगर समय लगा तो हम गंगा द्वार की तरफ कभी एक लाइव कवरेज कर देंगे, लेकिन आज हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है सतुआ संक्रांति उस पर हम फोकस करते हुए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट का बहुत ही मनोरम और बहुत ही रमणीय चित्रण, क्योंकि हमारे काशी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दशाश्वमेध घाट। आइए हम देखते हैं कि और क्या क्रियाकलाप यहाँ घाटों पर चल रहा है। घाटों पर निर्भर छोटे छोटे व्यवसाय भी हैं और जितने ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ पर भ्रमण करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ का व्यवसाय को बल मिलेगा। एक महत्वपूर्ण समर्पण, एक महत्वपूर्ण सानिध्य, क्या आनंदित क्षण। और हमारा बहुत ही सुंदर ये लाइव इंट्रैक्शन होता जा रहा है दशाश्वमेध घाट पर, हजारों लाखों की भीड़ में इतना अच्छा ये दृश्य है जो कि आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ये जो घाटों का दृश्य होता है, स्नान दान धर्म की ये जो संक्रांतियाँ होती हैं, इस पर पूरा विश्व एक मंच पर आता है, सुख शांति के लिए यहाँ गंगा स्नान करता है। हमारी अपील है दर्शनार्थियों से, कृपया गंगा जल के लिए डब्बा भी यहाँ से खरीदें, फूल मालाएँ खरीदें। यहाँ पर जो घाट पे आश्रित रोजगार है उनको बल दें और ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आप ख़रीदारी भी करें और माता गंगा के समर्पण में, माता गंगा के सानिध्य में एक दीप जरूर अर्पित करें। एक दीप जो होता है आस्था का है, समर्पण का है, खुशी का है, उल्लास का है और किसी के रोजगार को बल देने का ये महत्वपूर्ण माध्यम है, जो कि हम अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और किसी के रोजगार को सृजित करते हैं। घाटों पर स्थित इन रोजगारियों को भी बल दें और छोटे छोटे रोजगार किए जाते हैं यहाँ पर, प्रसाद खरीदें, मालाएँ खरीदें, गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ से डब्बे भी लें, तो हर प्रकार की व्यवस्थाओं का एक सामंजस्य और एक जो चक्रण चलता आ रहा है हमारे विश्व में कि हर एक पर निर्भरता, इसी को बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सतुआ संक्रांति के इस महत्वपूर्ण ब्लॉक का अब हम समापन करने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देख लेते हैं कि आखिर में हमारे एंड पॉइंट पे कहाँ हमारे और दर्शक हैं। इसी महत्वपूर्ण कवरेज के साथ हम बहुत ही जल्द अपने ब्लॉग का समापन करेंगे और देखते हैं कि और हमारे भक्त कहाँ कहाँ पर है। जिस तरह से हमें सूचना मिली है 3 बजे भोर से ही भारी भीड़ गंगा घाटों की तरफ चली आ रही है और काफ़ी भारी मात्रा में दर्शनार्थियों ने यहाँ पर दर्शन किया, गंगा स्नान किया है और ध्यान किया है। दशाश्वमेध घाट से लाइव हम श्री श्री माँ गंगा मंदिर और उसके साथ ही महत्वपूर्ण मंदिरों का दर्शन करते हुए गंगा स्नान करके संकल्प बुलाते हुए हम अब अपने अंतिम बिंदु की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्या कुछ है काशी में, काशी का ये महात्म्य क्या है, क्यों आखिर आकर्षण क्या है यह काशी का कि लोग स्वतः ही खींचे चले आ रहे हैं।
इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फिर कभी अन्य लाइव सेशन में। लेकिन आज का यह जो महत्वपूर्ण पर्व रहा है, दर्शन कर रहा है, आस्था कर रहा है, समर्पण कर रहा है, अपनी यति युगति बनाने के लिए यथाशक्ति दान पुण्य कर कर मन की शांति के लिए हम आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर जो कि मैंने कई बार दिखाया, नहीं मंदिरों का सार, घाटों का सार, मंदिरों पर स्थित रोजगार, छोटे 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 व्यवसाय। हम अपील करते हैं जब भी आप आएँ, यहाँ जो छोटे रोजगारी हमारे हैं, डब्बा बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं और दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उनके सहायतार्थ हमारे काशी के युवा सदैव समर्पित हैं। इनसे भी आप मिलें, देखें आखिर क्या है काशी। आप भटकेंगे, कुछ नहीं पता लगेगा। काशी का एक खिलाड़ी आपको सारा काशी का दर्शन चंद घंटे में करा देगा। तो ये याद रखें, काशी बृहद है, अविचल है, अविनाशी है, बाबा भोलेगी अपनी नगरी काशी है। नमः पार्वती पते हर। आप कहाँ से आए हैं बंधु? काशीपुत्र कॉम ब्लॉग, काशी की धरा से उद्घित काशी का ही चैनल, बड़े ही मजबूती से काशी के हर पक्ष को, हर क्षण को, हर कण को महादेव के समर्पण में, माता अन्नपूर्णा, माता गौरा, माता शीतला के आशीर्वाद से सिंचित और महत्वपूर्ण। हम भी दर्शनार्थी हैं, दर्शनार्थी, महत्वपूर्ण दर्शनार्थी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी, पंडित जी हैं जी। देखिए एक सानिध्य होता है, एक समर्पण होता है पंडित का। आपके भाव विचार बहुत अच्छे हैं। चाहे कुछ भी, भावों को विचारों को ही अच्छा रखेंगे तभी काशी की मजबूती को विश्व पटल पर हम रख पाएंगे। हर हर महादेव। देखिए इसी प्रकार के जो रम जाते हैं काशीवासी, जो थम जाते हैं काशीवासी महादेव के ही आस्था में, माता गंगा में जब स्नान डुबकी लगाने के बाद एक अभूतपूर्व शक्ति की प्राप्ति हम करते हैं, एक अभूतपूर्व चेतना, एक अभूतपूर्व शक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि जब हम गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। गंगा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपको खुद ही फील होगा, यू विल फील द इनर पावर एंड यू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ गंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्षण है और काफ़ी अच्छा हमने लाइव इंटरेक्ट किया, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हमसे मिले और काशीवासियों के समक्ष भी हमने कुछ वार्ताएं की। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा अश्वमेध घाट ऐसे ही नहीं कहा जाता, यहाँ पर 10 अश्वमेध किसी समय में कराया गया था और यह स्थल जो है सूर्य सरोवर के नाम से जाना जाता था, इसीलिए भगवान सूर्य की प्रतिकृति महादेव के साथ यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि हमारा नया मार्केट कॉमर्शियल प्लाजा बना है दशाश्वमेध भवन। इस पर ही हम उद्गित करते हैं अपने दशाश्वमेध घाट के उस इतिहास को जो कि आप पेंटिंग के माध्यम से और कलाकृति के माध्यम से चार समझ सकते हैं कि आखिर यह स्थल अपनी सजीवता को, प्राचीनता को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। काफ़ी लंबा इंटरेक्ट हम कर चुके हैं आपके साथ, अब हम बहुत ही जल्द इसको एंड करेंगे। दशाश्वमेध भवन, जितनी भी दुकानें तोड़ी गई हैं सबका अलाटमेंट हम दशाश्वमेध भवन में ही होगा और बहुत ही जल्दी सारे जो विस्थापित किए गए हैं पटरी व्यवसायी, ये सारे छोटी छोटी दुकानें इनको दशाश्वमेध भवन में अलाट की जाएंगी। आइए अब देखते हैं कि कब तक इस दशाश्वमेध भवन का ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा। जब ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा तो हम आपको दिखाएंगे बाबा भोले के भक्त। नाम बताइए अपना। दिलीप सोनकर। देखिए बाबा की रमी में, धुनी में धुन गए हैं, हर हर महादेव, विश्वनाथ गंगे। जी जी, देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा, तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझसे ही अंत हो जाएगा। देखिए महादेव के भक्त रमी में, धुनी में लगे हुए हैं, ऐसे ही धुन में लगे रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। आइए, बहुत ही अच्छा। किनका? वही है।
काशी का है, ये जो मौसम रहा है, काशी का जो संगम रहा है, महादेव की टी शर्ट देखिए बहुत अच्छा काम है। जब ये गंगा स्नान करने के बाद महादेव की टी शर्ट हम पहन लेंगे तो एक अद्भुत शक्ति महादेव की अपने आप में हमारे अंदर आती है। और ये जो समर्पण है हमारा काशी के प्रति और जो आस्था है हमारी काशी के प्रति, यही हमें हमारे धर्म को, हमारे कर्म को, हमारे अस्तित्व को बताती है कि हम महादेव के नगरी के सेवक हैं। चलिए बने रहिए, आइए देखते हैं काशी विश्वनाथ द्वार पर क्या कुछ भक्त हमारे किस परेशानियों का सामना कर रहे हैं। या काफ़ी हमें ख़राब लगा कि जब यहाँ पर पटरी व्यवसायियों के साथ ज़बरदस्ती की गई, लेकिन क्या प्रशासन के मन में है इस पर हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन काफ़ी गलत हुआ है जो भी हमारे पटरी व्यवसायियों के साथ यहाँ पर विस्थापित किया गया इनको। ऐसा जो आस्था का जो संगम है इस पर जो व्यवसाय निर्भर थे इनको यहाँ से विस्थापित नहीं करना चाहिए था। खैर ये दूसरा मुद्दा है। हम देखते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के दर्शनार्थी और गंगा स्नान करने के बाद जो हमारे दर्शनार्थी है उसके बाद वो करते क्या, आखिर वो कहाँ दर्शन करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, आइए कुछ देखते हैं। काशी जो है धर्म की नगरी रही है, खान पान की भी नगरी रही है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन यहाँ पर बिकते हैं। इडली खाइए, डोसा खाइए, सांभर वड़ा खाइए, लस्सी पीजिए, मलइयो खाइए, यही सब काशी की महिमा है। बाबा की नगरी रमी और बची, एक रमी में धुन जाते हैं महादेव के भक्त, जबकि उनके मस्तक पर तिलक होता है त्रिपुंड का, और उसके बाद एक अद्भुत शक्ति का संचार। और जैसा कि हम काशीवासी हैं तो काशीवासियों के मन में और आस्था में नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए काशीवासी हमारे साथ भी हैं और बहुत से नज़दीकी जिलों से। चैनल नाम बताइए। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और काशी की धारा से हम बिलोंग करते हैं और पूरे विश्व पटल पर बड़े मजबूती से काशी को रखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव बृहस्पति का मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन रहा है, देवों के देव महादेव के भी गुरु रहे हैं गुरु बृहस्पति। और देखिए छोटे छोटे व्यवसाय, सिंदूर, रोरी, पीला सिंदूर, ये सारे व्यवसाय हमारे हैं, लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ इस पर नहीं है, बिक्री नहीं है, बड़ा चिंता का विषय है। एक जब इतना बड़ा जन सैलाब चला आ रहा है काशी में तो इन व्यवसायियों के चेहरे पर निराशा क्यों है। हम अपील करते हैं कि जो भी दर्शनार्थी आए शॉर्टकट में न भागें, सामान भी खरीदें, काशी के छोटे छोटे पटरी रेडी व्यवसायियों पर भी ध्यान दें। जो भी व्यवसाय निर्भर है, सृजित हुआ है आस्था के लिए, धर्म के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए सामग्री बेचते हैं, उनका भी सामान आप खरीदें, क्योंकि ये निर्भर हैं टूरिस्टों पर। दे कैन डिपेंड ऑन द टूरिस्ट टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस। स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस हेल्ड इन काशी। देखिए द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव शिवा विथ माँ गंगा, माता अन्नपूर्णा, माता शीतला, माता काली। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हमारा खिचड़ी बाबा का मंदिर, जहाँ की नित्य निमित्त कम से कम एक दो कड़ाह खिचड़ी तो उतरनी है। ये हमारे गुरुदेव बृहस्पति का मंदिर। देखिए काफ़ी लाइव इंटरेक्ट कर चुके हैं हम आपके साथ, अब बहुत ही जल्द हम इसको एंड करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम दिखाएंगे। काशी का महत्वपूर्ण रिक्शा, ये पुरानी सवारी शान की सवारी है। कभी कभी जब विदेशी रम में धुनते हैं तो कई रिक्शा कर लेते हैं और घूमते हैं काशी की गलियों में। खैर हमने भी रिक्शे पे बहुत घूमे हैं, लेकिन टोटो वालों ने अभी रिक्शे वालों का बाजार डाउन कर रखा है। महत्वपूर्ण विश्वनाथ बृहस्पति भगवान का मंदिर। खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते, देखिए ऐसे ही खिचड़ी बाबा के बारे में जो हमने चर्चा की थी, कम से कम दो कड़ाह खिचड़ी तो उतरनी है, लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ और डिमांड के हिसाब से खिचड़ियाँ बनती रहती हैं। अब तो यहाँ ऑटोमेटिक मशीन लग गई है तो काफ़ी सरलता हो गई है, और अपनी यथाशक्ति या दान करके रजिस्टर भी लिखवा सकते हैं कि हम अमुक तारीख को खिचड़ी दान करना चाहते हैं। यहाँ पर 3200 रुपये का पूरा कड़ाह उतारा जाता है, 1600 रुपये का आधा कड़ाह उतारा जाता है। अपनी यथाशक्ति आप दान पुण्य भी कर सकते हैं और यहाँ प्रसाद
ग्रहण कर सकते हैं। खिचड़ी बाबा के इस महत्वपूर्ण स्थल पर भी हमने कई बार प्रसाद ग्रहण किया है। ऐसा ही हमारा लाइव इंटरेक्ट जो चल रहा है, ये काफ़ी मनोरम है और काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में लोग खिचड़ी बाबा का प्रसाद लेने के बाद, ये काफ़ी पुराने समय से प्रथा चली आ रही है। इन्होंने एक कैंपेन चलाया कि काशी में कोई भूखा न सोए, तो अपनी तरफ से एक अभियान चालू किया कि हम खिचड़ी बनाकर यहाँ पर दर्शनार्थियों के समक्ष और शहरवासियों के समक्ष वितरित करेंगे। आज ये अभियान में कई लोग जुड़ते गए और एक लंबा कारवा हो गया और इतनी बुकिंग रहती है यहाँ पर कि पूरे साल कभी भी ठंड की कमी नहीं आती है, अनवरत खिचड़ी उतरती रहती है। खिचड़ी बाबा का मंदिर और हमारा प्राचीन जो रास्ता रहा है विश्वनाथ द्वार का, यहीं से हम लोग पहले दर्शन करते थे श्री काशी विश्वनाथ द्वार, क्योंकि अब हमारे गेट नंबर 1, 2, 3, 4 में कन्वर्ट हो चुका है, काफ़ी जगह बनाई जा चुकी है। बहुत ही लंबा इंटरेक्ट हम कर चुके हैं, बहुत ही जल्द हम समापन करेंगे, लेकिन विश्वनाथ गली के इस महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों के कारवां को हम एक बार शूट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से भारी भीड़ बाबा के दर्शन को करने के बाद यहाँ पर गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर निकल गई है। बना रहे, जमा रहे, रमा रहे बनारस, इसी तरीके से यहाँ के काया बनी रहे, यहाँ के लोग मस्त बांगूड़ी छान के आनंद में एकदम घूमते रहें, लस्सी मलाइयो भिड़ा के एकदम आनंद लेते रहें। आप भी आइए, काशी की संस्कृति में रचिए, काशी की कला को देखिए और देखिए कि आखिर काशी वाराणसी बनारस में ऐसा है क्या कि पूरा विश्व जो स्वतः एक खींचा चला आ रहा है। ऑटो दर्शनार्थियों पर स्थापित है छोटे छोटे व्यवसाय, देखिए कितना अच्छा लगता है कि जब एक इंटरेक्शन होता है, ये आपने दर्शन भी किया, पूजा भी किया और नाश्ता भी किया, सामान भी खरीदा, कितना अच्छा ये एक जो सामंजस्य है, ये बहुत ही अच्छा तालमेल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है गदौलिया चौराहा दशाश्वमेध मार्ग, क्योंकि सबसे अच्छा साड़ी का मार्केट रहा, बनारसी साड़ियों का सबसे अच्छा मार्केट मदनपुरा, ये मुस्लिम एरिया जिधर बनाता है मुस्लिम लोग, मदनपुरा में भी साड़ी बहुत अच्छी। लेकिन आप जो दर्शन करने आएंगे तो आपका हाथ पकड़ लेगा, आइए आपको साड़ी दिखाएं। तो ये वही जगह है, एग्जैक्ट वही जगह है दशाश्वमेध रोड, जहाँ पे आज बनारसी साड़ी सिल्क फैक्ट्री के नाम पेवर, से पेवर सिल्क बना पेवर सिल्क मदनपुरा मदनपुरा जाइए। देखिए भैया बता रहे हैं, आपका नाम भैया, आपका नाम राजू, राजू देखिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा, अगर पेवर सिल्क चाहिए मदनपुरा जाइए, डायरेक्ट वहाँ से लीजिए, यहाँ लेंगे तो इसमें कुछ कमीशन सेट हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ये रोड पे कमीशन वाले वो पकड़ते हैं, दुकान में ले जाते हैं कमीशन जी, और डायरेक्ट ऑटो पकड़िए सीधा जाइए मदनपुरा लल्लापुरा। देखिए बगल में जाएंगे जंगम बाड़ी के साथ ही लगा हुआ है मदनपुरा, यहाँ से 10 रुपया सवारी है एक आदमी। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों को, क्योंकि दर्शनार्थी हमारे आ रहे हैं ठगे न जाए। और चाचा देखिए ये भगवान की मूर्ति भी चढ़ाने वाले, फोटो भी चढ़ाने वाले मालाएं, बहुत ही सुंदर कार्य, काफ़ी अच्छा। आप नित्य उन्नति करें, काशीपुत्र काम ब्लॉग आपको शुभकामनाएं देता है। ये जो महत्वपूर्ण संगम रहा है, एक महत्वपूर्ण समय रहा, हमारे कर्मठ युवा रिक्शा चालक तलाश में है सवारी के, का बेटा व्यवसाय ठीक ठाक चले, तो काम धाम होता ना, यहाँ से बिनिया से यहाँ गेट हुआ दू आजकल सोनारपुरा चेहरा तब मस्त बना रहा, लस्सी और मलइयो छान के एकदम आनंद में रहा। देखिए महादेव की नगरी जो काशी है, इसमें कई प्रकार की कलाएं, कई प्रकार के व्यवसाय हैं, कहीं मदद है, कहीं ठगी है, कहीं समर्पण है, कहीं आनंद है, और कहीं पे मेहनत है, और कहीं पे संघर्ष है। संघर्षों से, मेहनत से ही इंसान हमेशा आगे बढ़ा है, और इसी प्रकार से काशी दिखाती है कल्चर को, द डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ कल्चर्स मिक्स इन काशी, दैट इज द सेंटर ऑफ द ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ माँ गंगा एंड द प्रेजेंस ऑफ द काशी विश्वनाथ धाम। When you arrive Kashi, then the many business depends on Hinduism, culture, prayer,
दैट यू हैव बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर लिटिल टाइप ऑफ बिजनेस। तो छोटे छोटे व्यवसायों पर भी आप ध्यान दें और देखें कि क्या कुछ निर्भरता है, उस निर्भरता के सहभागी बने और एक अच्छा देखिए। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम काशी विश्वनाथ धाम या गंगा स्नान कवरेज करते हैं, ऐसे कवरेज हम जल्दी नहीं करते, किसी विशेष प्रयोजन पे, अति विशेष प्रयोजन पे ही हम ये कवरेज लेते हैं। पूरे विश्व पटल पर बड़ी मजबूती से काशी की संस्कृति और सभ्यताओं को प्रचारित एवं प्रसारित करता आपका महत्वपूर्ण मित्र कॉम ब्लॉग बहुत ही जल्दी इस लाइव इंटरेक्शन का समापन करने वाला है। तब तक हम देखते हैं और भी कुछ क्या है, जितना भी ज़्यादा हम इस वीडियो में कवर कर सकते हैं कवर करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है आपकी भोलेनाथ की नगरी काशी में, वाराणसी में, बनारस में। एक आस्था है, एक समर्पण है, एक सानिध्य है, कला है। काफ़ी भीड़, लेकिन भीड़ में ही आपको संभल कर चलना है। हम लाइव इंटरेक्ट हो रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, काशी की उन सकरी गलियों से जो कि अब चौड़ी हो चुकी हैं। वो आनंद रहा है काशी में, वो रंग रहा है महादेव का जो गंगा में डुबकी लगाए। ना रंग रहा कोई भेद का, ये काशी है, अविनाशी है, अविचल है। अरे देखिए, रील बनाइए। देखिए ये जो व्यवसाय रहा है काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी यहाँ पर खाएं, पिए, आनंद लें, मलइयों खाएं, लस्सी पिए, इडली खाएं, कचौड़ी खाएं, जलेबी खाएं, दही खाएं। सुबह बनारस का टेस्ट है, सुबह बनारस का टेस्ट लें, शाम में अवैध का भी आनंद लें। तो सुबह बनारस का ये चीज़ रहा है काशी वाराणसी बनारस का जो नाश्ता, कचौड़ी जलेबी, इसके साथ एक कमी है, दही भी रख लो यार। दही रख ला है तो दही बस तो भिड़ाए एकदम आगे दर्शनार्थी चपा जाओ। दोपहर में का रेट हो तो हाँ 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये में का का हो? 25 रुपये पूरी कचौड़ी जलेबी, 25 कचौड़ी सब्जी जलेबी, कचौड़ी जलेबी और दही दे दे बात है। दही का अलग से है। देखा यहाँ पे देखिए काशी विश्वनाथ अन्य क्षेत्र के सामने, नाम बताओ अपन। हाँ अरे सुबह बनारस, सुबह तो ही हुआ का यार, कहाँ बोर्ड हो तो यार? बोर्ड नहीं लगा है, बिना बोर्ड का चलता है। अच्छा सुबह बनारस देखा देखा जो बनारसी सुनत हुए हैं श्री काशी विश्वनाथ अन्य क्षेत्र, जो हमारे बाहर के दर्शनार्थी सुन रहे हैं ध्यान दें, ये सम्मानित हमारे दर्शनार्थी, काशी विश्वनाथ अन्य क्षेत्र के ठीक सामने सुबह बनारस कचौड़ी वाले, आगे भिड़ावा कचौड़ी, खूब मजे में दही जलेबी और आनंद ला बनारस का, बना रहा है जमा रहा है बनारस। और बात लस्सी कै बजे सवेरे आवेला, सवेरे कै बजे? 6 बजे सवेरे से लेके 9:30 बजे तक रहें भैया, चला आप लोग आनंद ला। तब तक हम लोग चला दिला आगे दर्शनार्थियों के साथ इंटरेक्ट करी ला और देखा जला कि का का आनंद ले लन हमार महत्वपूर्ण दर्शनार्थी। देखिए काशी वाराणसी बनारस की है महत्वपूर्ण जो नगरी रही है, और हम जो प्रचारित तो प्रसारित करते हैं अपनी नगरी को, अपने धर्म को, अपनी आस्थाओं को, इस क्रम में हमने बहुत ही अच्छा लाइव इंटरेक्ट हमारे साथ किया है महत्वपूर्ण काशीवासी ने, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया अपनी दुकान के बारे में, काफ़ी एक सुलझा हुआ काशित्व का यह जो झलक दिखती है, जो हमारे अंदर ये ललक है, कभी जानकारियों का साझापन होता है जबकि हम किसी ब्लॉग को शूट करते हैं, काफ़ी जानकारियों का साझापन होता है जबकि हम किसी वीडियो के साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक जानकारियों का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इंफॉर्मेशन का, यही हमें आगे बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि हम घर बैठे बैठे ही देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें आना है, दर्शन करना है, पूजा करना है, क्या रूट होगा, क्या रेट होगा, क्या क्या मंदिर में जाना है, कहाँ कहाँ दर्शन करना है। ये वीडियोस के माध्यम से जो हम इंटरेक्ट कर लेते हैं ईजी हो जाता है वे हमारे लिए, कहीं पर भी आने के लिए, दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। ऐसे ही रमी में धुना रहे बनारस और महादेव की नगरी में रमे हुए हमारे महत्वपूर्ण, देखिए साधुओं की नगरी, सन्यासियों की नगरी, काफ़ी अच्छा और रोमांचक हम इंटरेक्ट कर चुके हैं। और छोटे छोटे व्यवसाय जो हमारे हैं, ये फूल गुलदस्ते, और जैसा कि जाना जा रहा है कि G20 का सम्मेलन होने वाला है काशी को, एकदम रपारप चमका दिया गया है। ये देखते हैं कहां कहां चमक है, क्या क्या धमक है काशी में।
अब दुकानें लग चुकी हैं, हमें लग रहा है 8:30 बजे का समय हो गया क्या। इडली है, डोसा है, यहाँ के महत्वपूर्ण व्यंजन रहे हैं। हालांकि काशी रहा है देशवाली अंदाज में, लेकिन कहीं से भटक कर यहाँ पर साउथ इंडियन का जो तड़का लग गया है, क्योंकि कई सालों से मैं देख रहा हूँ, रहा तो देशवाली है, पूरी पराठा खाने वाला देश, कचौड़ी, जलेबी, दही, लेकिन यहाँ ला के जो साउथ कल्चर को पूरा एकदम घुसा दिया गया है, तो आनंद आपको मिलेगा। डोसा का, इडली का, सांभर बड़ा, कोकोनट उत्पम, ये सब का आनंद लीजिए। ये बड़ा ही कल्चर मिक्सअप है, मराठी, आंध्रियन, तेलंगियन, उसके साथ आपकी देशवाली हो गए, अंग्रेजों आते हैं यहाँ पे, वेस्टर्न कल्चर भी पूरी तरीके से छाया हुआ है काशी में। लेकिन इसके बीच में ही हमारा जो आध्यात्म है, जो हमारी आस्था है, जो हमारा हिंदुत्व है, बड़ा मजबूत दिख रहा है। यहाँ के युवा मैं देख रहा हूँ जो आकर्षण हुआ है, गंगा स्नान पर फोकस है, ध्यान पर फोकस है, दान पुण्य पर फोकस है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो देख रहा था मैं पिछले दिनों में हुक्का बार चला रहे हैं, पब में जा रहे हैं, लेकिन ये कल्चर को तोड़ रहा है हमारा काशी का, और हम लोग के हिंदुत्व का ये जो संचेतना फैलाई जा रही है। हम भी तो युवा हैं, हम भी तो काफ़ी अच्छी। देखिए गंगा स्नान कर रहे हैं, अपना नाम बताइए। राघव वर्मा। बहुत ही अच्छा। देखिए कितना अच्छा जो कि एज होती है, जो हिंदुइज्म और अपने जो रिलीजन को कितनी पावरफुल तरीके से हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक नवसृजित युवा वर्ग से जो ये संचेतना और संचार और संदेश मिलता है हमको, काफ़ी अच्छा हमें लगा और दिल हमारा बाग बाग हो गया। काशीवासी होने के नाते हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप आइए, नाश्ता करिए, और काशी में पूरा का पूरा आनंद है, एक कला है और एक कल्चर ऑफ फूडिंग भी है, यहाँ पे एक आर्ट है, फूड इज़ द आर्ट। भूखे हैं, भूख मिटेगी, ये भी एक कला है, और कला में आपको आनंद लेना है कि हम साउथ इंडियन खाएंगे कि देशवाली खाना खाएंगे। चलिए खैर बने रहें, आप लोग का धन्यवाद लाइव इंटरेक्शन में सहयोग करने के लिए, और महादेव की इस नगरी में आप लोग इसी तरह फलते रहें, फूलते रहें, उन्नति करते रहें। अपना नाम बता दीजिए आप लोग। नाम जी? तरुण है हमारा। आपका नाम? चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। महादेव आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। हर 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 महादेव। चलिए आइए देखते हैं हमारे और दर्शनार्थी हैं। एक बहुत ही लंबा लाइव इंटरेक्शन हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, और हम इसको एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट इस वीडियो में बढ़ता जा रहा है, और इतने अच्छे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। मेहनत, एक समर्पण, एक आस्था, एक व्यवसाय, सबको एक सूत्र में पिरोता है, दशा सुमेध मार्ग, क्योंकि काशी का महत्वपूर्ण स्थल रहा है। बाबा विश्वनाथ डोसा वाले खूब फायर उड़ा रहे हैं भैया, इनका भी टेस्ट कर लीजिए आके एक बार, लग रहा फायर डोसा बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है हमारा महत्वपूर्ण गदौलिया चौराहा, यहीं से हमने अपने वीडियोस को कई बार शूट किया है, और ये प्रतिकृति रही है नंदी की, जो हमारे महादेव के स्थापत्य को चिन्ह को, एक समर्पण को, एक सेवक की तरह से भूमिका निभाए थे नंदी महाराज। बने रहें, जमे रहें, इसी प्रकार से बराबर स्नेह बनाए रखें। आपका महत्वपूर्ण काशीपुत्र कॉम ब्लॉग अब अपने इस लाइव इंटरेक्शन वीडियो का समापन करता है। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ गंगा।